अब क्वेश्चन 21 देखिए क्या कह रहा है हमसे। कंसीडर द स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ बी बिलोंग्स टू आर। यहां कम से कम बी की एक वैल्यू होगी जो रियल नंबर से बिलोंग करती होगी, फॉर विच एफ एक्स है बी बाई एक्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो इज इंक्रीजिंग इन किसके अंदर, आर माइनस जीरो के अंदर। यानी कि यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो को छोड़ करके पूरे रियल नंबर्स में बी की एक ऐसी रियल वैल्यू होगी जिसके लिए कि ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आप समझें, कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो हम ये कह देते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप यहां देखो, इसका डेरिवेटिव कर लो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा माइनस बी बाई एक्स स्क्वेयर। आप देखें तो माइनस बी बाई एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन जीरो कब होगा, आप देखो कि भाई एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो, अगर बी की वैल्यू नेगेटिव है, बी की वैल्यू माइनस वन रख दी तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, जैसे माइनस वन रख दी और एक्स की भी वैल्यू वन रख दी, सो दिस इज वन ग्रेटर देन जीरो, यानी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो हम लिखेंगे व्हेन बी इज लेस देन जीरो, बी जब आपका लेस देन जीरो होगा, एंड लेस देन जीरो कितनी वैल्यूज हो गई, इनफाइनाइट वैल्यूज हो गई, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव एंड सो ऑन, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फोर, देखिए एक्स की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, एक्स की वैल्यू हो सकती है माइनस इंफिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू इंफिनिटी, जीरो नहीं हो सकती है एक्स की वैल्यू, तो माइनस इंफिनिटी टू जीरो यानी एक्स की जगह आप नेगेटिव वैल्यू रख लो या पॉजिटिव वैल्यू रख लो, हमारा एफ एक्स इंक्रीजिंग ही होगा फॉर बोथ इंटरवल्स माइनस इंफिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू इंफिनिटी। और यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि क्या कोई बी की एटलीस्ट वन रियल नंबर से वैल्यू होगी जिसके लिए हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और हमने कितनी सारी बता दी, बी लेस देन जीरो के लिए सभी के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है, वो ट्रू है हमारी, द आवर स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दैट्स द थिंग वी हैड टू शो, और यही हमें जस्टिफाई करना था, ट्रू और फॉल्स बताना था और जस्टिफाई करना था, जस्टिफाई मतलब सल्यूशन करना था।